हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ निविया के इस बॉडी लोशन का। इसका कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, कैसा बॉडी लोशन है, कैसे आपको यूज करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, सभी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो ये जो बॉडी लोशन है कुछ इस तरीके की बॉटल में आता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर की ये बॉटल है। और ये इस पंप डिस्पेंसर के साथ आता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ये प्रोडक्ट कहीं से वेस्ट नहीं होता, आपको जितना क्वांटिटी चाहिए आप इसमें से ले सकते हैं। ऐसे रोटेट होकर इसमें से प्रोडक्ट निकलता है, उसके बाद आप इसको बंद करके रख सकते हैं। तो ये एक इसकी बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट बाहर से दिखने में कुछ ऐसा है, यहाँ पे निविया की ब्रांडिंग है ऊपर, और इसपे जो मेंशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले इस पे लिखा हुआ है 48 आवर्स इंटेंसिव मॉइस्चर केयर। ये क्लेम करते हैं कि 48 आवर्स आपके स्किन को मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। तो आगे बात करेंगे, स्किन के लिए है 400 ml इसकी क्वांटिटी है, और इसका जो प्राइस है वो इस पे मेंशन है 399, बट ये आपको इजीली 250 और 300 के अप्रोक्स मिल जाएगा अगर आप इजीली नायका पे या फिर अमेजन पे आप परचेज करते हैं। तो मैंने तो ये लोकल शॉप से परचेज किया था, इसलिए मुझे ये 320 के लगभग के प्राइस पे मिला था, बट आप इसको अमेजोन और नायका पे परचेज कर सकते हैं और भी कम प्राइस पे। तो इसके जो स्मेल है बहुत ही प्लेजेंट है, माइल्ड है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी है। इसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी है, माइल्ड है और एकदम मतलब स्ट्रांग नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ थोड़ा सा। बिल्कुल इस तरीके से ये प्रोडक्ट ऐसे निकलता है इतना सा, और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज्यादा रनी भी नहीं है, बहुत एकदम आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में, आपको लगेगा भी नहीं। जो स्टिकीपन होता है वो भी नहीं होता। ज्यादातर बॉडी लोशन लगाने के बाद आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है या तो चिपचिपी हो जाती है, तो वो चीज इस बॉडी लोशन में नहीं है। आपको लगाने के बाद एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कोई क्रीम लगा रखी है हाथ पे। और आपके जो स्किन की जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा हद तक ये दूर कर देगा, क्योंकि मेरे को कोई भी बॉडी लोशन सूट नहीं होता था। मैं हर विंटर्स में परेशान रहती थी कि मुझे क्या करूं, मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लग जाती थी, बिल्कुल दरारें पड़ने लग जाती थी, कुछ भी इफेक्टिव नहीं था मेरी स्किन पे। मैंने सब चीजें लगा के, मैंने नारियल का तेल मैंने लगाते थे, अच्छे रिजल्ट मिलते नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने जब से ये बॉडी लोशन, इसका मैं छोटा पैक भी यूज कर चुकी हूँ, उसके बाद मैंने ये बड़ा पैक खरीदा है, तो मुझे इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिले। छोटा पैक यूज कर आप वो भी कर सकते हो, छोटा पैक लगभग 125 rupees तक का आ जाएगा, तो आप एक बार वो परचेज करके देख सकते हैं कि आपके स्किन पे कितना सूट होता है ये प्रोडक्ट। तो फिर मैंने इसका बड़ा पैक खरीदा है, और आई थिंक ये सफिशियंट है पूरे विंटर्स, ये सफिशियंट है। मुझे ऐसा काम किया है कि जो मेरी ड्राइनेस की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा हद तक वो कम हो गई है। और इस बॉडी लोशन को लगाने के बाद आपके स्किन पे आपको मतलब जो होता था ना ड्राइनेस फील होती है विंटर्स में, वो बिल्कुल फील नहीं होती है। ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से स्मूथ बनाता है, और इसकी जो पैकेजिंग है वो भी बहुत अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली है। इस तरीके से आप इसको बंद करके, और इस तरीके से ये बंद हो जाता है और आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं कहीं भी। और बॉटल बहुत अच्छी है, और ये क्लेम करता है कि इसमें विटामिन ई है, इसमें थोड़े बहुत केमिकल्स का भी यूज किया गया है, और ये क्लेम करते हैं कि 48 आवर्स आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। बट गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको डे में कम से कम 2 or 3 times इसको अप्लाई करना होगा अपने हैंड्स पे और अपनी बॉडी पे। आप इसको पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फेस के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी कि फेस के लिए आप कोई क्रीम यूज करिए। फेस के लिए मैं बॉडी लोशन को कभी भी रेकमेंड नहीं करती। आप बॉडी लोशन को अपने पूरी बॉडी पे और पूरे हैंड्स पे लगा सकते हैं, और ये बॉडी लोशन जिनके भी ड्राई स्किन है उनको बिल्कुल निराश नहीं करेगा, ये मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि मैंने इसको यूज करके देखा है। मुझे अपने स्किन बहुत बहुत इरिटेट करती थी विंटर्स में, बट जब से मैंने इसको यूज किया है विंटर्स में जो मेरी स्किन मुझे अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल फटी फटी हो जाती थी, उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है मुझे। इसमें विटामिन ई है और आलमंड ऑयल है, जो दोनों ही अपने स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक अच्छा बॉडी लोशन देख रहे हैं तो आप एक बार जरूर इसको ट्राई करिए, क्योंकि ये आपकी शायद उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। क्योंकि मैंने जब इससे इसको यूज किया है, मैं तो किसी और बॉडी लोशन का नाम भी नहीं लेती, मैंने तो दोबारा परचेज किया है, वो भी इसी को परचेज किया है। क्योंकि एक बार लगाने के बाद आपको महसूस हो जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट आगे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। और इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा थिक नहीं है और ज्यादा रनी भी नहीं है, बिल्कुल इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में। और इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और बहुत माइल्ड है, बहुत अच्छी लगेगी आपको। और आपकी इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, आपकी हर क्वेरी आंसर करूंगी मैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।